यूट्यूब निशानेबाज से हमला करने से पहले पुलिस घंटे में कार में सो रहा था। पुलिस ने कहा कि सैन डिएगो के नसीम नजाफी आगाद 39 नेवी के कैंपस पर एक 9 मिलीमीटर अर्धचालक हाथी के साथ आग लगाई थी, जिसने कानूनी तौर पर खरीदी थी। पुलिस और परिवार के सदस्यों के अनुसार, जिस महिला ने अधिकारियों से मंगलवार को यूट्यूब के मुख्यालय में 3 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी थी, वे खुद को मारने से कंपनी और उसकी नीतियों पर गुस्से से भरा था। कैलिफोर्निया के सैन ब्रूनो में पुलिस के प्रमुख एड बावेरिनी ने कहा, ऐसा माना जाता है कि यूट्यूब की नीतियों और प्रथाओं से संदिग्ध परेशान था। जहां यूट्यूब का मुख्यालय स्थित है, यह इस घटना का मकसद है। पुलिस ने कहा कि सैन डिएगो के नसीम नजाफी आगाद 39 नेवी के कैंपस पर एक 9 मिलीमीटर अर्धचालक हाथी के साथ आग लगाई थी, जिसने कानूनी तौर पर खरीदी थी। पुलिस ने कहा कि अधग ने खुद पर बंदूक को बदलने से पहले लोगों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। बावेरिनी ने बुधवार को एक ब्रीफिंग में कहा, इस घटना के समय दृश्य पर मौजूद हमारे संदिग्ध और किसी के बीच में कोई लिंक या संबंध बिल्कुल नहीं है। शूटिंग के कुछ ही घंटों में अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को लापता होने के बारे में बताया गया एकदम किसी दूसरे शहर में स्थानीय पुलिस अधिकारियों का सामना कर रहा था, लेकिन उस बातचीत के दौरान कोई अलार्म नहीं लगाया। वह तब यूट्यूब के लिए यात्रा करने से पहले मंगलवार को एक स्थानीय बंदूक रेंज के लिए जा रहे थे, बावेरिनी ने कहा। बंदूक रेंज का दौरा करने से पहले माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में पुलिस ने कहा कि उन्होंने मंगलवार की सुबह अपनी कार में एक ढुमनींद का सामना किया था। माउंटेन व्यू गूगल के घर यूट्यूब के स्वामी सैन ब्रूनो से करीब 25 मील की दूरी पर स्थित है। अधदम के रिश्तेदारों ने कहा है कि उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी थी कि एकदम एक सक्रिय यूट्यूब उपयोगकर्ता नई कंपनी के साथ हताशा व्यक्त की थी और दावा किया था कि वह उसकी सामग्री को प्रतिबंधित कर रही है। माउंटेन व्यू पुलिस ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि अधदम ने कभी यूट्यूब को अधिकारियों से कभी नहीं बताया और खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाने पर चर्चा नहीं की। माउंटेन व्यू पुलिस के बयान में कहा गया है, उसके साथ पूरी बातचीत के दौरान वह शांत और सहकारी थी। उसके साथ हमारी बातचीत का निष्कर्ष पर वह किसी भी तरह से हमारे लिए उसके साथ बात करने या संभवतः उसे हिरासत करने के लिए कोई कारण नहीं मिला। पुलिस ने कहा कि वे अधदम के पिता और भाई से बात करते थे, लेकिन उनमें से किसी ने हिंसा के संभावित कृत्यों या उनके वीडियो के साथ अपने मुद्दों के परिणाम स्वरूप आगम की कटाई की संभावना के बारे में कुछ भी का उल्लेख किया। गूगल ने मंगलवार को टिप्पणी के अनुरोध के जवाब नहीं दिया कि क्या कंपनी को पुलिस या एकदम के बारे मैं किसी भी प्राधिकरण से संपर्क किया गया है या नहीं। सैन ब्रूनो में हुए हमले में हाल ही में बंदूक की हिंसा से उबरने के लिए हिंसा में फंसे हुए लोगों को खून खराबी और डर के अराजक दृश्य में एक सुरक्षित जगह को बदलने के लिए चिन्हित किया गया था, और यह आ गया था कि देश के आग्रयास्त्रों पर बहस और सार्वजनिक सुरक्षा पार्कलैंड फ्लोरिडा हाई स्कूल नरसंहार हिंसा लगभग 1:15 बजे शुरू हुई। कंपनी के मुख्यालय के बाहर एक आंगन में सिर्फ सैन फ्रांसिस्को के दक्षिण में गवाहों ने एक महिला को आंगन में एक बंदूक की शूटिंग के रूप में देखा, क्योंकि दूसरों ने अपने जीवन के लिए दौड़ा। सैन ब्रूनो में पुलिस ने कहा कि उन्हें 12:46 PM पर बुलाया गया था गोलियों के बारे में मंगलवार को, और 2 मिनट बाद पहुंचने के बाद 3 लोगों को गोली मार दी और घायल हो गए थे। एक चौथा व्यक्ति को पलायन करते समय एक टकने को घायल होने के बाद अस्पताल ले जाया गया। एक प्रवक्ता के मुताबिक मंगलवार रात जकरबग सैन फ्रांसिस्को के
जनरल अस्पताल से शूटिंग में दो लोग घायल हो गए थे, एक तीसरा मरीज 30 के दशक में एक आदमी बुधवार की सुबह गंभीर स्थिति में था। अदम यूट्यूब का सक्रिय उपयोगकर्ता था जो कि वेगाज्म फिटनेस और पशु क्रूरता के बारे में वीडियो पोस्ट किया था। उनके साथ लिंक होने वाले चैनल अंग्रेजी, फारसी और तुर्की में प्रकाशित किए गए थे और प्रत्येक के पास कई हजार सदस्य थे। सभी को देर से मंगलवार तक ले जाया गया था। वीडियो और लिखित पदों में उस वेबसाइट पर लिखा गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि YouTube उनके विरुद्ध भेदभाव कर रहा था और उन्हें वीडियो देखने के लिए उन्हें दृश्य प्राप्त करने के लिए फिट करना था। एक पोस्ट ने कहा था कि आप सत्य को बताने के लिए दब गए होंगे जो सिस्टम द्वारा समर्थित नहीं है। अदम के पिता ने बे एरिया न्यूज ग्रुप को बताया कि उसने हाल ही में रिश्तेदारों के रिश्तेदारों से कहा था कि YouTube अपने वीडियो को सेंसर कर रहा है और उन्हें उनके लिए भुगतान करना बंद कर दिया है। वह नाराज था, उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि उसने पुलिस को बताया कि वह शायद यूट्यूब पर जा रही हो क्योंकि वह कंपनी को नफरत करती थी। उनके भाई ने सैन डिएगो में एक टीवी स्टेशन KGTV को बताया कि उन्होंने आग्रह किया था कि वह खाड़ी क्षेत्र में यात्रा करने के बाद पुलिस को कुछ कर सकती है। माउंटेन व्यू पुलिस ने कहा कि उन्हें मंगलवार के शुरू में अग्रदम मिले, तब उन्होंने अपने पिता और भाई से मुलाकात की और बात की। पुलिस ने कहा, उस बातचीत के दौरान कोई भी अदम के पिता या भाई ने या तो YouTube कैंपस पर संभावित हमले के संभावित खतरे के बारे में कोई बयान नहीं दिया, पुलिस ने कहा। इसके अलावा अदम या उसके परिवार से कोई संकेत नहीं था कि वह किसी हथियार के कब्जे में हो सकता था। परिवार ने एक घंटा बाद वापस बुलाया और कहा कि अदम यूट्यूब से परेशान हो गया था, जो हो सकता है कि वह इस क्षेत्र में थे। पुलिस ने कहा, पुलिस के बयान में कहा गया है कि अदम के पिता चिंतित नहीं थे कि वह इस इलाके में थी और सिर्फ हमें यह बताना चाहती थी कि उनके यहाँ चलने का कारण हो सकता है। माउंटेन व्यू पुलिस खाते के बारे में टिप्पणी के लिए न तो रिश्तेदार तक पहुँचा जा सकता है। एक महिला ने अपने पिता के घर के दरवाजे का जवाब दिया जब एक संवाददाता बुधवार का दौरा किया। घर के बाहर पोस्ट किए गए एक बयान में परिवार ने कहा कि यह पूर्ण सदमे में था और जो कुछ हुआ है उसे समझ नहीं सका। हालांकि कोई भी इस त्रासदी के लिए हमारे गहरे दर्द का वर्णन नहीं कर सकता है। हमारे परिवार निर्दोष पीड़ितों के लिए जो कुछ हुआ है उनके लिए अत्यंत दुख व्यक्त करना चाहते हैं। हमारे विचार और प्रार्थना उनके और उनके परिवारों के साथ हैं। एक अखबार बुधवार को परिवार के घर के बाहर बैठे थे। मुख्य कहानी YouTube पर शूटिंग के बारे में थी। जॉन रिंडेल, जो उसके माता पिता के अगले दरवाजे रहते हैं, ने कहा कि वह चौंक गया। परिवार का वर्णन अद्भुत। रिंडेल ने कहा कि उसके पिता ने YouTube के नापसंदता का उल्लेख किया था और जब वह गायब हो गई तो वह वास्तव में चिंतित था। मंगलवार की शूटिंग के बाद रिंडेल ने कहा कि वह परिवार के घर में थे और उन्हें बताया गया कि क्या हुआ, यह नष्ट हो गया। उन्होंने कहा, आपके पास 40 वर्षीय बच्चा है जो कुछ पागल होता है, यह है। मैं उनके लिए बहुत बुरा महसूस करता हूँ। बर्बनी सैन ब्रूनो पुलिस प्रमुख ने कहा कि उनके जांचकर्ताओं को जानकारी नहीं थी कि किस बारे में जानकारी दी गई थी और किसके लिए। मुझे नहीं पता कि उस पुलिस विभाग को किस चिंताओं को बताया गया या कैसे, या उन चिंताओं को कैसे पहुंचाया गया। बार्बिनी ने बुधवार सुबह बीसी के गुड मॉर्निंग अमेरिका को बताया। यूट्यूब शूटिंग असामान्य है कि ज्यादातर हिंसाओं के कृत्यों पुरुषों द्वारा किया जाता है। 2000 और 2013 के बीच सक्रिय गोलीबारी की FBI की जांच में 160 हमलों की जांच हुई और पाया गया कि सिर्फ 6
महिला निशानेबाजों में शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पिछले साल बड़े पैमाने पर हिंसा के गुप्त सेवा अध्ययन में पाया गया कि लास वेगास और सथालुन स्प्रिंग्स टेक्सास में शूटिंग रैम्पेशन सहित 28 ऐसी हिंसक घटनाएं हुई और सभी पुरुषों द्वारा किए गए थे। मंगलवार को गोलीबारी ने यूट्यूब सैन ब्रूनो के सबसे बड़े नियोक्ता के कार्यालयों के चारों ओर घबराहट फैली, जो साल के लिए अपनी जगह बढ़ाने की प्रक्रिया में है। यूट्यूब के मुख्य कार्यकारी सुसन वोजेकी ने ट्विटर पर पोस्ट किया, हम एक परिवार के रूप में चंगा करने के लिए एक साथ आएंगे। गूगल के मुख्य कार्यकारी सुंदर पिचाई ने एक बयान में कहा कि वह सहयोग और शुभकामनाएं देने के लिए कंपनी के अंदर और बाहर सभी के लिए आभारी हैं। उन्होंने कहा, मैं जानता हूं कि आप में अभी बहुत सदमे में हैं। आने वाले दिनों में हम अपने गूगल परिवार के सभी लोगों को इस अकल्पनीय त्रासदी से मदद करने के लिए सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे।